नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान अपने विधानसभा क्षेत्र धूरी के गांव मिमसा में लोगों से मिलने पहुंचे, कांग्रेस व अकाली दल पर जमकर साधा निशान। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री बलबीर सिंह पहुंचे जालंधर, एडीसी एसडीएम और विधायकों के साथ की मीटिंग। अमृतसर में चल रहे G20 सम्मेलन में पहुंचे विदेशी मेहमानों को साडा पिंड में पंजाबी पेंडू जीवन के करवाए दर्शन, सरसों के साग और पंजाबी पकवानों का उठाया लुत्फ। अरब हलचल विस्तार से। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान अपने विधानसभा क्षेत्र धूरी के अलग अलग गांवों में आयोजित प्रोग्रामों में लोगों से मिलने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों की मुश्किलें सुनी और अकाली दल व कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र के मीमसा गांव में लोगों को मिलने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब में आम लोगों की अपनी सरकार है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, क्योंकि जो पहले सरकार थी वे लोग महलों में रहते थे, ना तो वे लोगों के बीच आते थे और ना ही उनके घर के दरवाजे आम लोगों के लिए खुले रहते थे। पंजाब के लोगों ने उन पर विश्वास जताया है और उन्हें खुले दिल से वोट दी है और उन्होंने भी 3 करोड़ लोगों के लिए अपना दिल खोल रखा है। खुले दिल से बजट में गरीबों के लिए पैसा रखा है। पंजाब के एक एक पैसे का हिसाब रखा जाएगा। धूरी से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। साल हो गया पंजाब दे विच लोगों की अपनी सरकार बने, अपनी तां करके पहला किसी व्यक्ति विशेष की सरकार होंदी सी। उन्होंने महलों कंधा बहुत उच्ची होंदी सी, उन्होंने जिहड़े एंट्री वाले दरवाजे होंदे सी बहुत उच्चे उच्चे सी, ते उन्होंने वो दरवाजे बंद ही रखे लोगों लिए, आम लोगों लिए। सो हुण अपनी सरकार बनी है लोगों की, तो उन्होंने उम्मीदा ने बहुत। मैं धूरी के पिंड च आया तो उही प्यार उही यकीन जिहड़ा लोग दर्शा रहे ने, और धूरी के लोगों ने मतलब खुले दिल नाल वोटां पाईआं, एक बदलाव वास्ते एक रास्ता तैयार किया। तो धूरी के लोगों लिए भी असी पंजाब के 30 मिलियन यानी कि 3 करोड़ लोगों लिए साडे वल्लों सरकार वल्लों भी खुले दिल नाल ही जिहड़ा वो बजट दे विच ग्रांटां गरीबां लई रखीआं गईआं ने, और पंजाब के लोगों का एक एक रुपया संभाल लिया जाऊगा टैक्स का, संभाल के उन्होंने बड़े डिसिपलिन तरीके उन लोगों के उत्ते खर्चा जाऊगा। तो फिर लोगों का विश्वास बनता है कि जोड़ा साढ़े टैक्स का पैसा है सानू ही, चाहे वह बिजली के रूप से वापस आए, चाहे सड़कों के रूप से आए, चाहे वह मोहल्ला क्लीनिकों के रूप से आए, चाहे वह स्कूलों के रूप से आए, वो लोगों से वापस आना चाहिए। ये तो चीज़ देखो माननीय अदालत के केस साढ़े तो कोई जो इंटरफेरेंस है नहीं, असी तो कोई दखलअंदाजी नहीं की। जो SIT बनाई सी माननीय हाई कोर्ट ने उन्हें चलान पेश किया, तो बस इन्ना कहना चाहवागे कि जिहड़े पहला कहिंदे सीगे कि असी तो हर कुरबानी देने लई तैयार हाँ, हुण एक फरीदकोट की कचहरी जाने तो भी डरते हैं, पहले ही कहते जवान तो कहना ही तो करनी नेड़े तेड़े तो कितने होना चाहिए ना। सो जो जिन्होंने भी गुरु साहब की बेअदबी या गुरु साहब की जिहड़ी पूरे जिथे जिथे भी गुरु साहब की बेअदबी होई, लोगों के भावनावान जोड़ा सट बजी, तो इंसाफ मिलना चाहिए। और मैं उम्मीद है कि मानयोग अदालत जीडिया ने इंसाफ देनगिया तो लोगों के कालजी ठंड हो। जालंधर में पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री बलबीर सिंह पहुंचे। इस दौरान जहां उन्हें जालंधर पुलिस की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया, तो वहीं इसके बाद उन्होंने जालंधर के ADC, SDM और विधायकों के साथ मीटिंग की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए बलबीर सिंह ने बताया कि उनकी सरकार की ओर से एक वर्ष में मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं, जिसकी संख्या लगातार बढ़ती रहेगी।
उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नई भर्तियां की जाएंगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ओर से पिछले वर्ष में 27,000 के करीब नई भर्तियां और 90% के करीब लोगों के बिजली के बिल माफ किए गए हैं। आने वाले समय में सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। तो वहीं गाँव में डिस्पेंसरी को लेकर उन्होंने कहा कि डिस्पेंसरियों में लोगों का इलाज कम होता था, इसके साथ ही डिस्पेंसरियों की हालत बहुत खस्ता थी। इन डिस्पेंसरियों में 2 डॉक्टर होते थे और दवाइयां नाम मात्र होती थी। बजट दौरान रखे गए 2 अस्पतालों को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ही उनका काम शुरू करवाया जा रहा है। अस्पतालों में स्टाफ की कमी को लेकर उन्होंने कहा कि 1,000 डॉक्टर और बाकी स्टाफ की भी भर्ती जल्द शुरू की जाएगी। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। 30 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਆ। ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਆਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਡ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਮੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, 2500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਟੇਟਸ ਆ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਲਨੈਸ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੇਜਰ ਰਿਪੇਅਰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, 1 ਮਿਲੀਅਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ 90% ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 200 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮਹੀਨੇ ਦੇ। ਵੇਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਇਹ IT ਇਨੇਬਲਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 2000 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਗੁਣਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇ ਆਰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। 470 ਬੈਡਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ 19 ਬੈਡਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰਨ ਯੂਨਿਟ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏ ਕਲਾਸ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਥੀਏਟਰ ਸਾਡੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ, ਲੇਬਰ ਰੂਮ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕੱਢੀਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਇਹ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਵੈਲਸ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 400 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜੰਪਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਹੁਣ SBS ਨਗਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ। ਔਰ ਲੋਕ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਏਰੀਆ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨੋਂ ਕੋ ਗਤ ਸਾਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਕੀ ਅਗਵਾਈ ਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਏ ਗਏ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧੋ ਕੇ ਚਲਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਔਰ ਜੀਵਨ ਕੋ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੇ ਦੇਖਨੇ ਕਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਾ। गत साए जब विदेशी मेहमान साडा पिंड में पहुंचे तो वहां पर उनका पंजाबी रीति रिवाजों के साथ स्वागत किया गया, जिसके चलते साडा पिंड में विदेशी मेहमानों के आगमन से विवाह जैसा माहौल बन गया और सभी मेहमानों ने ग्रामीण रहन सहन को देखने में बड़ी उत्सुकता दिखाई। सबसे पहले विदेशी मेहमानों को पंजाब का रिवायती खाना सरसों का साग और मक्की की रोटी का स्वाद चखाया गया, जिसके बाद उन्होंने छन्ने में बर्फ भरकर चाटे की लस्सी पी, जिसके बाद विदेशी मेहमानों ने गांव में सरपंच का घर, नंबरदार का घर, जुलाहे का घर, कुम्हार का घर, तरखान का घर, लुहार का घर, डाकघर, फुलकारी घर, परांदा घर, संगीत घर, किसानों की हवेली और हकीम का घर देखा। इस दौरान विदेशी मेहमानों ने पंजाबी विरसे की अनमोल निशानी चरखा काटकर पंजाबी जीवन को महसूस किया। इस मौके पर पंजाबी लोकनाच भांगड़ा, झूमर, गतका भी पेश किए गए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। Thank you.
अमृतसर शहर में आम जनता को ट्रैफिक की समस्या से पक्के तौर पर निजात दिलाने के लिए एक स्पेशल मुहिम चलाई गई है, जिसके तहत माननीय पुलिस कमिश्नर अमृतसर की हिदायतों पर ट्रैफिक को निर्विघ्न चलाने के लिए ट्रैफिक स्टाफ में 550 कर्मचारियों को और तैनात किया गया है। ADCP ट्रैफिक अमनदीप कौर की निगरानी में 4 ACP, 6 इंस्पेक्टरों को कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर के 3 जोनों में बांटकर ACP की अगुवाई में 2 इंस्पेक्टरों सहित 150 ट्रैफिक कर्मचारियों को बांटा गया है। ये कर्मचारी अमृतसर शहर के अलग अलग पॉइंटों पर ट्रैफिक को सुचारू और निर्विघ्न चलाएंगे। इसके अलावा 80 मोटरसाइकिलों पर 160 कर्मचारियों को तैनात कर चालान बुकें दी गई हैं। इन कर्मचारियों की ओर से ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना करने वालों के चालान काटे जाएंगे। इसके अलावा PCR की 28 अटिका गाड़ियां और QRT 10 गाड़ियां शहर के अंदर और बाहर के बाईपास रास्तों पर 24 घंटे तैनात रहेंगी, जिसमें जवानों को आधुनिक वेपन देकर शिफ्ट वाइज 24 घंटों के लिए तैनात किया गया है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 550 ਬੰਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਵੀਜ਼ਨ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ADCP ਅਮਨਦੀਪ ਕਰੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 4 ACP ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ 6 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ 150 ਬੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ADCP ਸਿਟੀ 1, 2, 3 ਸਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਜਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੂੰਥਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। प्रसिद्ध पंजाबी गायक जसबीर सिंह जस्सी सचखंड श्री हरिमंदर साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के साथ मुलाकात भी की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए जसबीर सिंह जस्सी ने कहा कि गुरु की कृपा से जब उन्हें थोड़ा सा फुर्सत का समय मिलता है तो वे गुरु के दर्शन करने के लिए पहुँच जाते हैं। यहाँ आकर उनके मन को बहुत ही शांति मिलती है। वहीं उन्होंने कहा कि अकाल तख्त के जत्थेदार के साथ भी मुलाकात की है और कई मसलों पर उनके साथ बातचीत की है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। बाबा जी की कृपा, बाबा जी की मेहर, जदों भी थोड़ा जा भी टाइम मिलता, थोड़ा जा लगता कि यार फुरसत पल हैगी है, तो कोशिश करीदा कि बाबा जी को आइए तो बाबा जी तो सीध लै के जाइए, क्योंकि ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਅਮਨ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਅਮਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਗੁਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਏ। ਸੋ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਸਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆ ਕੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ? ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਬੈਠਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਡੀਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ G20 ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੇਂ ਹੋਈ ਪੈਨਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 20 ਪੈਨਲਿਸਟੋਂ ਦੁਆਰਾ G20 ਕੇ ਦੇਸ਼ੋਂ ਕੋ ਜੋ ਸੁਝਾਓ ਦੀਏ ਗਏ ਹੈ ਉਨ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की मेजबानी के अधीन गोल्डन जुबली कन्वेंशन सेंटर में भारत सरकार के युवा मामलों के बारे मंत्रालय द्वारा आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में G20 देशों के पैनल सदस्यों और डेलीगेट्स को दी गई विदाईगी के बाद सिंडिकेट रूम में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करने के दौरान प्रोफेसर सरबजोत सिंह बहल ने कहा कि 4 पड़ावों में हुई पैनल विचार चर्चा के निचोड़ को पत्रकारों के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि इन सुझावों से राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बदलाव नजर आएंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। कंक्लूड हो गया जी Y20 दा जरा सेशन सी। साडे कुल डेलीगेट्स 14 तरीक नु आ गए सी, काफी कुछ कल भी आए सी। साडे कुल नेशनल डेलीगेट्स भी आए सी फ्रॉम आउट स्टेशन ते इंटरनेशनल डेलीगेट्स ते साडे कुल आए सी। इंटरनेशनल डेलीगेट्स दे विच दो तरह दे कैटेगरी सन साडे कुल। एक ते सन इंटरनेशनल डेलीगेट्स जिहड़े है बिलोंग करते ने सिटीजनज ऑफ अदर G20 कंट्रीज बट दे वर हेयर ओनली इन इंडिया, सो वो तो इतों ही आए सन। कुछ जिहड़े साडे इंटरनेशनल स्पीकर सन वो जिहड़े ने वो सारे बाहरों आए सी, ऑस्ट्रेलिया तो, जापान तो, साउथ अफ्रीका तो, UK तो, फिनलैंड तो। So we had called all these international speakers from G20 countries. G20 countries in which 20 countries hai gane, odi list tuhanu pata hi hoega, it is available on media also. So we could get around 12 international speakers. There were 25 international delegates and there were 25 national delegates. Jede saade kol apne national delegates bhi outstation to aaye si. All these speakers were very distinguished in their respective fields. Sade kol jada theme hega si government vallon jada Ministry of Youth Affairs vallon ditta gaya si o si Y20 de under. Y20 is under the banner of G20 only kyunki G20 de vich bahut sare events ho rahe ne, jive jada ik ho sade parallel event chalya si shuru hoya si o education group da si. In our case it was focused on youth of the country. So is karke ida jada naam ditta gaya Y20 ditta gaya. Jada ida main theme si ide ch further 5-6 themes unhone Ministry of Youth Affairs ne suggest kite si, par jada theme Guru Nanak Dev University layi choose kita gaya, select kita gaya, oh theme hai gaya Future of Work, Industry 4.0, Innovation and 21st Century Skills. ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਜੋਬ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਊ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਦ ਯੂਥ ਆਫ ਆਰ ਕੰਟਰੀ ਫੋਰ ਦੀਸ ਚੈਲੰਜਸ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਊਰੋ ਕੀ और से डिप्टी कमिश्नर कम चेयरमैन DBEE के आदेशानुसार जिले के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए 16 फरवरी 2023 से हर गुरुवार जिला रोजगार और कारोबार ब्यूरो के कमरा नंबर 461 तीसरी मंजिल DC कॉम्प्लेक्स कुराली में प्लेसमेंट कैंप लगाने शुरू किए गए थे, जिसमें प्रार्थियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए और उनकी विद्यक योग्यता के अनुसार जरूरी नियोजकों के तहत गत दिवस प्लेसमेंट कैंप को रोजगार मेले के रूप में आयोजित किया गया, जिसमें DBEE की ओर से कुल 5 नियोजक शॉप एंड सर्विसेज इंडसइंड बैंक, JCBL, नेट स्पार्ट्स, एयरटेल में DBEE में इकट्ठा होकर अकाउंट्स मैनेजर, कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, CNC ऑपरेटर, टर्नर फिटर, कंप्यूटर ऑपरेशन ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर आदि सेक्टरों में असामियों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले में 107 प्रार्थियों की ओर से भाग लिया गया और नियोजकों की ओर से 45 प्रार्थियों की इंटरव्यू के पश्चात उन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए डिप्टी डायरेक्टर मीनाक्षी गोयल ने बताया कि इस मेले का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है और आने वाले हर गुरुवार को इस मेले का आयोजन किया जाएगा ताकि बेरोजगार युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके। कुराली से हलचल के लिए अश्विनी गौड़ की रिपोर्ट। एंड मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, मुझे ये चीज़ मेरे कॉलेज के थ्रू पता चली कि यहाँ पर रोज़गार मेला लगा है जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से लगा हुआ है। सो मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने आया, मैंने JCBL कंपनी में इंटरव्यू दी अपनी,
सो मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने काफ़ी अच्छा मुझे डिटेल दी, काफ़ी अच्छे से मेरा इंटरव्यू लिया एंड मुझे पैकेज भी ऑफर किया फॉर मेरी सिलेक्शन के लिए। जो भी गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ देती हैं, ऐसे बेनिफिट्स देती हैं, उनका लाभ उठाएँ और अच्छे से अपने फ्यूचर के लिए तैयारी करें एंड रिक्रूट हो। कैसे लगा आपको DBE में? मोहाली में आके हमें काफ़ी अच्छा लगा, जो हम कैंडिडेट्स ढूंढ रहे थे काफ़ी टाइम से, अलग अलग जगह हमने देखे कैंडिडेट्स, बट यहाँ पे आई गेस हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। हमने शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं और एक दो दिन में हम इनको सिलेक्शन करके फाइनल दे देंगे। प्लेसमेंट हुई है लीनिया जी? अभी तो हमने प्लेसमेंट कैंप शुरू किया है, ठीक है, उसके लिए हमने कैंडिडेट्स बुलाए हैं अलग अलग कॉलेजेस से कॉन्टैक्ट करके। कुछ हमारे पास कैंडिडेट आए हैं यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग पंजाब यूनिवर्सिटी से भी, ठीक है, और 6 एम्प्लॉयज़ आए हुए हैं, तो वो इंटरव्यू लेंगे कैंडिडेट्स की, उसके बाद फिर जो भी शॉर्ट लिस्टिंग होगी या सिलेक्शन होएगी तो उस चीज़ पे फिर वो उसके बाद फिर आपको फाइनल फिगर दे सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ शॉर्ट लिस्टिंग पहले करते हैं, वो सेकेंड राउंड के लिए कैंडिडेट्स को बुलाते हैं अपने वेन्यूज़ पर फिर, ठीक है, कुछ लोग कुछ एम्प्लॉयज़ सेलेक्ट भी कर लेते हैं तो उसके बाद ही फिगर कोई मिल सकती है। जालंधर के मोहल्ला बलदेव नगर निवासी सीवरेज जाम की व्यवस्था से कई दिनों से काफ़ी परेशान थे, जिसके चलते नगर निगम की टीमों ने इलाके में पहुंचकर सीवरेज की सफाई कर उसे सुचारू रूप से शुरू करवाया, जिससे लोगों की मुश्किलों का हल हो गया, जिसके चलते इलाका निवासियों ने नगर निगम कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे पिछले कई दिनों से नारकीय जीवन जी रहे हैं और सीवरेज जाम की व्यवस्था के कारण उनका जीना दूभर हो गया था, लेकिन निगम कर्मचारियों ने सीवरेज की सफाई कर उनकी समस्या को हल कर दिया, इसलिए वे उनका आभार व्यक्त करते हैं। इस मौके पर इलाका निवासी रवि थापर, अमृत सिंह, रामस्वरूप, चरणजीत सिंह राजू एवं रॉकी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। मैं आज नगर निगम चंद्र के जोड़े साढ़े सुपरवाइज जी राकेश थापर जी आए हैं, मैं इन्हों का धन्यवाद करता ज काफ़ी दिनों तो ये लैन बंद सी, तो मैं इन्होंने साथी का सारा शुक्रगुजार करता कि जोड़ा गड्डी आई है और इतने जे बलदेव नगर किशनपुरे काम हो रहे हैं, जोड़े अपने सीवर मैन आ बड़ी मेहनत करते हैं और मैं कारपोरेशन यही धन्यवाद करूँगा कि इन्हों बच्चा का भी गाँव हौसला बधाओ। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के पावन प्रांगण से श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में 29 मार्च को निकाली जा रही विशाल श्री राम नवमी शोभा यात्रा को भव्य रूप प्रदान करने हेतु संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। संपर्क अभियान की टीम में शामिल रमन शर्मा, अश्विनी शर्मा, सौरभ शर्मा और मुनीश शर्मा ने श्री राम मंदिर न्यू रसीला नगर फेज 2 दानिशमंदा जालंधर के बलदेव राज चौहान, महेश सोडी, सतनाम अरोड़ा, सतपाल बिट्टू, राकेश बबलू, हरबंस लाल अरोड़ा, राजीव लूथर, अमित खिंदर, शिव शर्मा, जनक राज, पंडित मोहन, कृष्ण लाल, सविता, शकुंतला, शाबिया बांसल, निर्मल, संतोष, कुसुम, उषा रानी, आशु मेहरा, कांता सोनिक से संपर्क साधकर उन्हें प्रचार सामग्री भेंट कर असंख्य भक्तों व सुंदर झांकियों समेत इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र प्रदान किए। इस दौरान मंदिर प्रबंधक कमेटी के बलदेव राज चौहान व सभी सदस्यों ने संपर्क अभियान की टीम को यह विश्वास दिलाया कि वे असंख्य भक्तों व सुंदर झांकियों सहित इस शोभा यात्रा में भाग लेकर प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि पिछले 3 साल तो जो कोविड की वजह जेतला मंदिर तो शोभा यात्रा निकलती थी रामनवमी की या जन्माष्टमी की या भोले शंकर जी की, वो पिछले 2-3 साल तो बंद सी, तो मैं समझना कि साढ़े वास्ते बहुत ही सनातन वास्ते बहुत ही बड़ा सुनहरा अवसर है जो कि अभी रामनवमी के उपर इन फिर प्रारंभ कर रहे हैं, जिदे देवतला मंदिर तो ही सारा कार्यक्रम चलेगा, उतों ही सारिया झांकियां सारे नगर की परिक्रमा करते हुए
जितना मंदिर जा गई उसे समाप्ति होगी, विश्राम होगा। उसके नाल सानू इन्होंने मान बख्शा, सारे बख्शे दानश मंदिर न्यू चीला नगर के श्री राम मंदिर, जो कि श्री राम जन्म सुख कमेटी के प्रयास के नाल भगवान की कृपा के नाल ये स्थान साड़ा बनया। और अज इस स्थान के बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि साड़ी इस कलोनी नू, साड़ी बस्ती नू, साड़ी समाज नू एक बहुत ही अच्छा स्थान मिले। और श्रद्धा भावना के नाल सब लोग इतने आते हैं, ये भी बधाई के पात्र ने, क्योंकि इन्हों तो बगैर कोई भी धर्म धार्मिक स्थान हो जिसे संगत नहीं होंगी वो स्थान इन्ने जल्दी एडवेस्ट नहीं होंगे। तो ये बड़ी बड़ी साड़ी कह लो कमजोरी है, उन्होंने अच्छे ढंग के नाल ही बना के रखना चाहिए। तो असी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि साड़ी संगत जिनी है वो बहुत ही श्रद्धावान है और सारे ही इस मंदिर में बहुत प्यार करते हैं। और मैं आए हुए देवता मंदिर तो जोड़े सारे साथी आए हैं, रमन शर्मा जी, संजीव जी, बाकी सारे लोग, मैं उन्होंने सहयोग से बहुत बहुत धन्यवाद करना जिन्होंने अपना कीमती टाइम कढ़ के सारे नाल संपर्क किया। और मैं इस सारे उपलक्ष्य में शीतल विजनवी और रजेश विजनवी मैं लख लख बधाई देना कि इन्होंने काफ़ी देर के बाद जो उपराला किया परमात्मा उन्होंने कामयाबी दे मिले। और इस तरह की समाज की सेवा रल मिल के सारे करते रहिए, परमात्मा सब तक मेरे पर हाथ रखे और सब तंदुरुस्ती देवे। और सारे ही अपने जो जीवन का लक्ष्य है साड़ा वो प्राप्त करिए और भगवान की सेवा जी इस तरह करते रहिए। इन शब्दों नाल मैं सारी संगत का भी और जो दीपकला मंदिर तो आए ने सारे साथी उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय माता दी, जय लक्ष्मी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अज बड़ा खुशी का मौका है, साढ़े देवतला मंदिर तो संपर्क विभाग की टीम आई है, असं इन्होंने आश्वासन दवाने कि साढ़े मंदिर कमेटी वालों भी जरूर असं पहुँचा, बाकी असं अपनी मीटिंग करके तय कर लेंगे किनिया कुछ ट्रालियां लियानियां, किनिया झांकियां लियानियां ने, तो असं जरूर पहुँचांगे। और एक होर भी असं इलाकों आश्वासन दसना चाहते हैं कि साढ़े श्री राम मंदिर तो पहले नराते तो प्रभात फेरियां शुरू होणगियां, छह प्रभात फेरियां असं कढ़ांगे। और रामनवमी एक दिन पहले असं इत्थे रामायण का पाठ रखांगे, दूजे दिन रामायण के पाठ का भोग पेगा और बाद भंडारा किया जाएगा। सारे इलाके नूं हुम मा के आन इत्थे, बहुत बहुत धन्यवाद टीम दे आन दा। हम आपको धूरी के एक ऐसे परिवार के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका 2 वर्ष का बच्चा वर्ष 2012 में आग में गिर गया था, जिसके बाद उसे उठाकर अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद उसे पटियाला के राजेंद्रा अस्पताल में भेजा गया, जहां उन्हें कहा गया कि उनके बच्चे का इलाज लुधियाना या फिर PGI चंडीगढ़ में होगा। अब यह बच्चा लगभग 13 वर्ष का हो चुका है और इस बच्चे के 7 ऑपरेशन हो चुके हैं। अगर घर के हालातों की बात करें तो घर के हालात बहुत ही कमज़ोर हैं और इस बच्चे का पिता मोटरसाइकिल रेहड़ी चलाकर घर का गुजारा करता है, और जब उसे मोटरसाइकिल रेहड़ी पर कोई काम नहीं मिलता तो वह घर का गुजारा चलाने और बच्चे के इलाज के लिए दिहाड़ी भर चला जाता है। बच्चे की माता का कहना था कि जब उसके बेटे का इलाज शुरुआती दिनों में चल रहा था तो उन्हें पैसे उधार लेने पड़ गए और उनका उधार बढ़ता ही चला गया, तो वहीं उनके मकान पर बैंक का लोन चल रहा है। घर के हालात बुरे होने के कारण लोन भरना भी मुश्किल हो गया है, इसलिए उन्होंने लोगों व समाज सेवी संस्थाओं से गुहार लगाई है कि उनकी मदद की जाए ताकि उनके बच्चे के 2 या 3 ऑपरेशन होने वाले हैं उसमें मदद हो सके। धूरी से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। जो तो मेरा बच्चा 2 साल का होया सी, फिर जी असी 22 मार्च ना जन्मदिन मना के हटे सके,
ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਇਆ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੱਬੀ ਸੀਗੀ, ਡੱਬੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਜਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਚੜ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਹੱਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਪੂਰੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਰ ਨਹਾਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਉੱਤੇ ਕੋਟਨ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਗ 'ਚੋਂ ਫਟਾਫਟ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਟ ਆਈ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾੜਤੇ ਕੱਪੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਡਿੱਗੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਓਨੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਲ ਕੇ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ? ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ 2012 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। 2012 ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਧੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਗਵਾਂਢੀ ਨਾ ਕੋਈ ਛੱਤ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਬੱਚਾ ਫਾਟਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਦੋੜਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਂਭ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾ ਛੇਤੀ ਇਹਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਰਜਿੰਦਰਾ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਜਿੰਦਰਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ PGI ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਮਸਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਏ ਅਸੀਂ 5% 'ਤੇ 7% 'ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ? 7 ਸਰਜਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 7? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ? 2 ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੁਣ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨੇ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈੱਕ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਗਲੇ ਦੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਬੱਚੇ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਵਾਸਤੇ? ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬੇਹਿਸਾਬਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਭਰਤਾ ਸੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੁਰਖੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੱਕਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਝੰਜੋਰ ਕੇ ਰੱਖ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਰੇਹੜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਂਦੇ, ਕੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ OSG ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਬਰਨਾਲੇ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, 8-9 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਉੱਥੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ OSD ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕਿਸ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਐਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਆਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਿਆਜ ਥੱਲੇ ਆਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਧੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬਚਾ ਲਾਂ, ਜਦੋਂ PGI ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆੜਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਉਸ ਸਮੇਂ AP ਸੋਲਵੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਛਰੂ ਰਾਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਮਿਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਝਗੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉੱਤੋਂ CM ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਣ,
ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਜੇ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਹੁਣ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਉਂਦੀ, ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ, ਖਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਗਰਮੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਗਰਮੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ 'ਚ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਜ ਹੋਰ ਵਧੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੰਮੀ ਹੋਣੀ, ਡੈਡੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਕਰਾਈ ਪਹਿਲਾਂ। ਬੇਟਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਹੋ। ਵਧੀਆ ਨੇ ਜੀ, ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਗਰਮੀ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਯੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਜੀ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਖਿੱਚ ਪੈਣ ਲੱਗਦੀ, ਉਦੋਂ ਖਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਊਂ ਨਹੀਂ ਦਰਦ ਕੋਈ? ਊਂ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਹੀ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਠੀਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਬੇਟੇ? 9th ਕਲਾਸ ਹੈ। ਯੁਵਾਓਂ ਕੋ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਿਓ ਕੇ ਸਾਥ ਜੋੜਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਓਲਡ ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਆ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ SD ਕਾਲਜ ਰੋਡ ਮੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਭਕਤੀ ਗਿਆਨ ਯੱਗ ਕੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਥਾ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਕਥਾ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੇ ਜਨਮ ਏਵਮ ਲੀਲਾਓਂ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਕਰ ਸ਼੍ਰੋਤਾਓਂ ਕੋ ਭਾਵ ਵਿਭੋਰ ਕਰ ਦਿਆ। ਕਥਾ ਵਿਆਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮ ਸੱਤਿਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਭਗਵਾਨ ਸੇ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਵਹੀ ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਸੁਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਡੰਡ, ਸੁਦੇਸ਼ ਧਵਨ, ਰਵਿੰਦਰ ਡੰਡ, ਬਲਰਾਜ ਗੁਪਤਾ, ਬਲਦੇਵ ਆਨੰਦ, ਸਨੀ ਆਨੰਦ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੋਛੜ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਖਿਲਨ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਰਮਨ ਚੋਪੜਾ, ਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਰਜੁਨ ਪੱਪੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਗਗਨ ਗੁਪਤਾ, ਅਮਨ ਗੁਪਤਾ, ਰਾਜੀਵ ਨੰਦਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਅਰੋੜਾ, ਰਾਕੇਸ਼, ਰਾਜੀਵ ਨੰਦਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ, ਰਾਜ ਕੋਹਲੀ, ਰਮਨ ਚੋਪੜਾ, ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਵੀ ਅਰੋੜਾ, ਰੋਹਿਤ ਡੰਡ, ਸਤੀਸ਼ ਬਾਲੀ, ਪੰਕਜ ਆਨੰਦ, ਊਸ਼ਾ ਗੁਪਤਾ, ਪੂਨਮ ਆਨੰਦ, ਸੁਮਨ ਪਾਸੀ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਮਾ, ਰਸ਼ਮੀ, ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਣੀ, ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਅਗਰਵਾਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਮਿਗਲਾਨੀ, ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਨ ਅਗਰਵਾਲ ਸਹਿਤ ਅਨਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਭਕਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। Thank you.
बरनाला के शहर तपा मंडी में शहर की समाज सेवी संस्थाओं पंजाब महावीर दल सीनियर सिटीजन श्री श्याम प्रचार मंडल श्री गीता भवन लंगर कमेटी के सहयोग से पिछले कई दिनों से श्री गीता भवन में चल रही है श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन श्री कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव बड़ी ही धूमधाम और श्रद्धा से मनाया गया। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की खुशी में बड़ी संख्या में महिलाएं पीले वस्त्र पहनकर तोहफे और खिलौने लेकर कथा मंडप में पहुंची। इस मौके पर कथावाचक दीदी गुंजन वशिष्ठ वृंदावन वालों ने अपनी सुरीली आवाज में श्री कृष्ण और राधा जी के भजन गाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया और पंडाल में बैठे श्रद्धालु और महिलाएं श्री कृष्ण जन्म उत्सव की खुशी में नाचने लगी। इस मौके पर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष अश्विनी कुमार भूत पुजारी पंडित कालाराम वेद पाठी पंजाब महावीर दल के रमेश सिंगला सोहनलाल वनवास सुभाष कुमार मक्खनलाल श्री श्याम प्रचार मंडल के अध्यक्ष रिंकू मोड़ दीपा बहनी मदनलाल भट्टा रूपचंद धोला सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। जो दा जो समागम है मद भागवत सप्तक जा जग शुरू होने जा रहा है ये 8 दिन का कार्यक्रम है। सुश्री गुंजन वशिष्ठ जी ये कथा व्यास से विराजमान रहेंगे। गीता भवन कमेटी वालों पंडित काला राम जी वालों यह सारा उद्यम चुकया गया है। मंडियां दे सहयोग दे नाल सब वीर के सहयोग के नाल एक कार्यक्रम शुरू होया है। बहुत ही वधिया कार्यक्रम रहने वाला है। अज्ज दी जिहड़ी यात्रा है बहुत ही वधिया झंडा यात्रा रही है। सारे उहदे विच सब ने बहुत बहुत सहयोग किया। बस सारी गीता भवन कमेटी जी ते सारी मंडी निवासियों के सहयोग नाल इह भागवत करा रहे हैं जी। तो बस आने वाला प्रोग्राम ये बहुत वधिया रहेगा जी। सारे लिए धार्मिक दा ठीक होगा जी। बाबा काला राम जी की देख रेख हो रहा है जी। श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद के नाल ये कार्यक्रम सारा चलना है। और जो साडे आदरणीय पंडित जी ने हिमाचल तो अजय कुमार जी वो भी इतने विशेष तौर पर पहुंचे हुए। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के पावन प्रांगण से श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में 29 मार्च को निकाली जा रही विशाल श्री रामनवमी शोभा यात्रा को भव्य रूप प्रदान करने हेतु संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। संपर्क अभियान की टीम में शामिल रमन शर्मा अश्विनी शर्मा सौरभ शर्मा मुनीश शर्मा और मोहित शर्मा ने मंदिर बाबा गुग्गा जाहिर पीर जी सतनाम नगर बस्ती दानिशमंदा जालंधर के कमलेश बाबा विनोद यादव अनीता सुदर्शन सचदेवा सुदीक्षा पूनम प्रेमा गौतम थापा रघु कुंडल प्रियंका वर्षा सुभाष चंद्र अजय कुमार माँ वैष्णो धाम शिवाजी नगर बस्ती दानिशमंदा जालंधर के कमलेश माता राजरानी चंचल गीता कमलेश रानी संगीता पूनम संतोष फौजी राम विजय कुमार श्री महायोगी गोरखनाथ मंदिर न्यू गुरु रविदास नगर बस्ती दानिशमंदा जालंधर के जोगिंदर पाल दीपिका दीक्षा रामप्यारी प्रकाशो देवी ललित कुमार श्री अमर हरि मंदिर बस्ती दानिशमंदा जालंधर के श्याम सुंदर पंडित मदन मोहन जोशी पंडित संदीप शर्मा नीतिका गीता दीप्ति नंदिनी पंडित अरुण शर्मा पारस शर्मा कश्यप राजपूत सभा बस्ती दानिशमंदा जालंधर के राकेश कश्यप मीना कश्यप लवलीन कश्यप से संपर्क साधकर उन्हें प्रचार सामग्री भेंट कर असंख्य भक्तों व सुंदर झांकियों समेत इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र प्रदान किए। इस दौरान सभी मंदिर प्रबंधक कमेटियों के पदाधिकारियों व सदस्यों ने संपर्क अभियान की टीम को यह विश्वास दिलाया कि वे असंख्य भक्तों व सुंदर झांकियों सहित इस शोभा यात्रा में भाग लेकर प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। प्यारी सत्संग जी देवी तलाक 29 तरीक तो शोभा यात्रा निकलेगी। अं सब संतान को नाल लैके जरूर हाजिर होवेंगे पहुँचेंगे अपनी संतान को नाल लियावेंगे धूमधाम नाल मनाया जाएगा शोभा यात्रा। जय माता दी जय श्री राम जय श्री राम। जो कि देवी तलाब मंदिर तो शोभा यात्रा निकल रही निकलेगी तो उस दे विच वैष्णो धाम मंदिर तो सारे शामिल होवेंगे। जयकारा वैष्णो जी का बोल सच्चे दरबार की जय। 29 तरीक को जो शोभा यात्रा श्री देवी तलाब मंदिर तो निकल रही है अभी उस विच बढ़ चढ़ के हिस्सा लवेंगे श्री गुग्गा जाहिर पीर मंदिर की तरफों। 29 तरीक को शक्तिपीठ देवतला मंदिर तो निकलने शोभा यात्रा विच बस्ती दानशमंदा तो ओम दिव्य प्रेम मंदिर गुग्गा जाहा पीर कमलेश देवा जी का मंदिर न्यू शिवाजी नगर तो वैष्णो देवी धाम तो
और अमर हरी मंदिर और शिवपुरी मंदिर प्रबंधक कमेटी बस्ती दानशमंदा तो एक विशाल शोभा यात्रा लैके मंदिर प्रांगण च पहुँचेगी और शक्तिपीठ देवी तला मंदिर वालों जो भी हुक्म होएगा उस हुक्म असी अपने तन मन धन दिन आवेंगे उस शोभा यात्रा असी अपने आप को पहुँचने अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे कि उस पवित्र जगह पर पहुँच के इतों माँ के दरबार तो सुनेहा लैके मेरे वीर शर्मा जी संदीप शर्मा जी अपने अश्विनी शर्मा जी सारे साथी पहुँचे हैं मंदिर प्रबंधक कमेटी वालों मैं अपने वालों अपने मंदिर प्रबंधक कमेटी वालों अपनी बस्ती दानशमंद वालों इन्हों सारे का हार्दिक धन्यवाद करता हाँ और खास करके शक्तिपीठ देवी तला मंदिर के प्रधान दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतलवीर जी के जो प्रयास हैं हिंदू को जोड़ने वास्ते उन्होंने प्रयासों को सार्थक करते हुए असं मुंडे ना मुंडा लाके चलेंगे। जय श्री राम। जीरा के मल्लावाला से लापता बच्चे को पुलिस ने बरामद करने में सफलता हासिल की है। इस संबंधी आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान डीएसपी जीरा पलविंदर सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले मल्लावाला से एक बच्चा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था, जिसकी शिकायत बच्चे के माता पिता ने पुलिस से की थी। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच करने के बाद बच्चे को बरामद कर लिया है। डीएसपी ने बताया कि बच्चे के माता पिता द्वारा आरोप लगाया गया था कि एक व्यक्ति द्वारा उसके बच्चे का अपहरण कर लिया गया है, जबकि बच्चे ने कहा कि वे अपनी मर्जी से घर से निकला था। डीएसपी जीरा ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चे के माता पिता का उसके अपहरण का दावा पूरी तरह झूठा निकला है। बच्चा अपनी माँ से परेशान होकर घर से चला गया था, जिसे बरामद कर लिया गया है। जीरा से हलचल के लिए सतीश विज की रिपोर्ट। लवजीत सिंह पुत्र हरदयाल सिंह वासी रुकने वाला थाना मल्लावाला है, उतों का ही रहने वाला है। ये किसी बन के उ घड़े वाले को माँ प्यो ने, क्योंकि वो भी गरीब ने, इनू उ नौकर खाया हुआ सी। उतों ये बीमार होने करके दो दिन पहले घर आ गया। घर आने तो बाद उन्होंने जो ठीक हो गया, माँ ने इनू किसी बच्चे के होर नाल मोटरसाइकिल से भा के वो घड़े वाले को बन के उत्ते भेज दिता। उदन वो जो आप बंदा जो निर्मल सिंह मौजूद नहीं सी, वो आपकी माँ दाखिल से फिरोजपुर उ गया हुआ कि बच्चा जो बन से पहुंचा तो उत्थे जो शाम को वापस आया उन्हें वेख्या भी उत्थे नहीं है। उस तो बाद बच्चे की जी हैगी साढ़े को गुम सदगी इन्होंने रिपोर्ट जी है एक दिन लिखाई थी विद फोटो असं इश्तहार शुरू हो गए जारी किया, पर जो बाले भाल करने सूँ नहीं मिले तो असं इतने एफ आई आर 365 IPC से जी है केस रजिस्टर कर दी। उस तो बाद असं यदि भाल करनी शुरू हुई तो क्योंकि ये कोई फोन भी नहीं सी, ना ही सू कोई क्ल्यू चलता सी, वक् वक् टीम जगह उ काफ़ी देर वर्क करना पे सू। ये बच्चा जोड़ा है बन के उत्तों क्योंकि उतरों जी माँ हैगी भी मतरेई माँ है, बेसिकली किसी होर का बच्चा है इन बोल रहा है, वो उतों भी थोड़ा दुखी सगा भी मैं पढ़ना चाहता तो माँ जी है मैं इन्हें काम से लाया हुआ। उस तो बाद असी यदि भाल करते करते काफ़ी जे पहलुओं के उत्ते वर्क किया तो यह पता लगा भी ये फिल्म वाले जरा बकरिया कोल है, वो फिर असी बच्चे जोड़ा है रिकवर करके फिर पशु पड़ताल की, जिन्हें दसाया कि मैं बन दो उतो ही डरदा मारा क्योंकि सी नहीं, मैं किसी होर जिम्मेदार ना कार से बह के चले गया, पर मैं उन्होंने जो अपना एड्रैस पिछला सैदू के जो तरन तारण च पैंता जितों जिथे असल माँ रही है उतों देता सी, मैं उन्होंने सही एड्रैस नहीं दसिया ना ही मैंने फोन दसिया। मतलब अगवा नहीं, कोई बिल्कुल अगवा का मामला नहीं सी, अपनी मर्जी ना ही बच्चा गया। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान अपने विधानसभा क्षेत्र धूरी के गांव मिमसा में लोगों से मिलने पहुंचे, कांग्रेस व अकाली दल पर जमकर साधा निशान। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री बलबीर सिंह पहुंचे जालंधर, ADC SDM और विधायकों के साथ की मीटिंग। अमृतसर में चल रहे G20 सम्मेलन में पहुंचे विदेशी मेहमानों को साडा पिंड में पंजाबी पेंडू जीवन के करवाए दर्शन, सरसों के साग और पंजाबी पकवानों का उठाया लुत्फ। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।